हेलो एंड गुड इवनिंग, मैं शैलेश मौर्या आप सभी के चैनल एसएम ट्रांसलेटर पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, आज के इस कड़ी में हम लोग जानेंगे इसका दूसरा भाग यानी निगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि पढ़ाने में आनंद आए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी भूतपूर्ण जारी काल, और आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आज किस कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ समय दिया रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वाक्य के बीच में समय और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। और अगर बात करें निगेटिव सेंटेंस का, तो अगर उन्हीं वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है, जैसा कि अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा वाक्य के बीच में समय के साथ साथ नहीं शब्द आ रहा है, एग्जांपल के लिए ले, जैसे तुम नहीं स्कूल जा रहे थे 2020 से, ऐसे। ठीक है, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे 2020 से, ऐसे। देखिए इसमें देखिए क्या है, रहा था आया है वाक्य के अंत में, हालांकि मैंने बाद में बोला है 2020 से, वैसे कोई मतलब नहीं है। समय अगर बीच में दे या समय दे, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, समय दे, साथ ही साथ नहीं शब्द आया। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। क्लियर है चीजें, क्लियर है? तो मतलब ये कि अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा वाक्य के बीच में समय के साथ साथ नहीं शब्द आए, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूल लिखते हैं। रूल होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। ठीक है, हैड बीन, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, तो हम लोग नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हैड प्लस नॉट, ठीक है, नॉट फिर बीन, ठीक, क्लियर है चीजें। फिर वर्ब का आई एन जी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, सिंस फॉर टाइम, ठीक है, सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर टाइम, समझ में आ रहा है, क्लियर है चीजें। यानी अगर इस टेंस का बात करें, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का बात करें, तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। यानी जो हैड बीन होता है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, हैड अलग और बीन अलग, बीच में नॉट आ जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सो ऑन सिंस फॉर प्लस टाइम, ये होता है रूल। ठीक है, अगर आपको किसी वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है, मतलब इस टेंस के वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है, मतलब अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के बीच में समय के साथ साथ नहीं शब्द आ रहा है, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कैसे, इस तरह से, तुम कल से स्कूल नहीं आ रहे थे, ऐसे, तुम कल से स्कूल नहीं आ रहे थे। देखिए वाक्य के अंत में रहे थे आया है और वाक्य के बीच में समय भी दिया है और नहीं शब्द दिया है, क्लियर है चीजें, क्लियर है? देखिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, वाक्य के बीच में नहीं आएगा, साथ ही साथ समय तो रहेगा ही, क्योंकि समय के साथ साथ अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा है, रही है, रहे होंगे, इस तरह से चीजें आए, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है। ठीक है, समझ में आ रहा, क्लियर है चीजें? यानी अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बात करें, तो रहा था, रही थी, रहे थे, साथ ही साथ समय और साथ ही साथ नहीं शब्द आएगा, तो इस टेंस का क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसको ट्रांसलेट करें तो इस रूल के अकॉर्डिंग यानी हो जाएगा तुम आया, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू हो या कोई और सब्जेक्ट हो, सबके साथ यहाँ हैड ही लगेगा। ठीक है, यू हैड नॉट बीन, ठीक है, यू हैड नॉट बीन, ठीक है, क्लियर है चीजें, यू हैड नॉट बीन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आना होता है, कम का एनजी फॉर्म, कमिंग, ठीक है, कमिंग टू द स्कूल। अब देखिए ऑब्जेक्ट भी हो गया, अब अदर वर्ड तो है ही नहीं कुछ, इसमें
सिंस या फॉर लगेगा समय का। अब देखिए कल से जो है निश्चित है, ठीक है, यानी कल से कह दिया यानी निश्चित है, तो सिंस क्या करेंगे yesterday, ठीक है, सिंस yesterday। मैंने बताया आप सभी को अगर निश्चित समय है, ठीक है, यानी अगर आपको डेट फिक्स कर दे रहा है यानी समय आपको निर्धारित एकदम कर दे रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर समय देता भी है वो निर्धारित नहीं करता, जैसे एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, दो साल हो गया, तो ये सब चीजें जो होती हैं, एक हफ्ता मान ले सोमवार से सोमवार तक, मंगलवार से मंगलवार तक, महीने का मान ले तो 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, ठीक है, क्लियर है चीजें। तो यानी अगर बात करें सिंस या फॉर का, तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का, ठीक है, क्लियर है चीजें। तो एक बार जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ठीक है। यानी अगर बात करें तुम कल से स्कूल नहीं आ रहे थे, इसका हो जाएगा यू हैड नॉट बीन कमिंग टू द स्कूल सिंस स्टडी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखिए, जैसे मैं दो महीने से घर पर नहीं रह रहा हूं, रह रहा था ऐसे, ठीक है, रह रहा था, मैं दो महीने से घर पर नहीं रह रहा था। इसको देखिए वाक्य के अंत में रहा था है, वाक्य के बीच में समय दिया है और नहीं भी दिया है, क्लियर है चीजें। तो इसको भी इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, आई हुआ कोई सब्जेक्ट, इसके साथ हैड, आई हैड नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीन। अब देखिए रहना क्रिया क्या है, रहना होता है लिव, लिव का एनजी फॉर्म लिविंग, एट द होम, ठीक है, एट द होम ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब बचा समय, ठीक है, अब बचा समय, ये दो महीना जो है अनिश्चित है, क्योंकि महीना जो है दो तारीख से दो तारीख, तीन तारीख से तीन तारीख, ऐसे इसमें डेट नहीं फिक्स किया है, यानी एकदम निर्धारित नहीं किया है, समय तो दिया है लेकिन कंफर्म नहीं किया है। तो इस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर टू मंथ, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है चीजें इस प्रकार, ठीक है। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप आजाद हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखें, जैसे राम 2010 से बिहार जा नहीं रहा था, ऐसे देते, ठीक है, राम 2010 से बिहार नहीं जा रहा था। तो इसको ट्रांसलेट करें, इसमें भी देखिए समय दिया 2010, नहीं भी दिया है, और रहा था, रही थी, आ ही रहा है। इसको ट्रांसलेट करें तो राम, ठीक है, राम हो गया, उसके बाद है राम हैड नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीन। अब यहां पर देखिए जाना होता है गो का एनजी फॉर्म गोइंग, ठीक है, गोइंग टू द बिहार, गोइंग टू द इस प्रकार, तो बिहार। उसके बाद देखिए ये जो 2010 है वो निश्चित है, क्योंकि भले ही वो अगस्त में गया हो या जून में, इसमें डेट जो है 2010 साल जो है निर्धारित कर दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, सिंस 2010, क्लियर है चीजें, क्लियर है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। अगला एग्जांपल देखें, जैसे वह दो हफ्ते से पूजा नहीं कर रहा था, पूजा नहीं कर रहा था, वह दो हफ्ते से पूजा नहीं कर रहा था। इसको ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा ही, उसके बाद हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, पूजा करना, ठीक है, अब करना तो अलग चीज होता है, तो यहां पर डूइंग लिख देंगे, डूइंग टू वर्शिप, ठीक है, क्योंकि जब डबल क्रियाएं होती हैं करना और पूजा, तो यहां पर क्या होता है, दोनों क्रियाओं के बीच में टू लगा देते हैं, डूइंग टू वर्शिप। अब देखिए क्या है, दो हफ्ते से ये दो हफ्ता अनिश्चित है, ठीक है, तो यहां पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर टू वीक्स, समझ में आ रहा है, क्लियर है चीजें, क्लियर है। तो इस प्रकार इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, और क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें,
ताकि लेटेस्ट वीडियो का जानकारी मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, नमस्कार।